जानते हो इस इलाके में जो भी रहता है एक डर की वजह से है। ऊंची आवाज में धमकी देने की कोशिश मत करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्मी तड़का पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आई हूँ टॉप 6 खतरनाक क्राइम थ्रिलर पर बनी फिल्में जो आपके दिमाग को एंड तक उलझा कर रखती है। मूवीज एक से बढ़कर एक है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दे, क्योंकि सभी मूवीज में भरपूर थ्रिल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप सबको क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस काउंटडाउन। नंबर 6 पर है 2021 में रिलीज क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ए यानी एड इन्फिनिटम। दोस्तों इस मूवी में एक ऐसी फैमिली देखने को मिलेगी जो बहुत ही हैप्पीली जी रही होती है, लेकिन अचानक अपनी पास्ट की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में सेम नाम से ही डब किया गया है। मूवी में लीडर निभाते हुए नजर आएंगे प्रीति असरानी, नितिन प्रसन्ना, जगन योगीराज के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है संजीव नाम के एक इंसान पर जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो अपने पास्ट भुला चुका है और उसकी वजह से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। दोस्तों आखिर उसका पास्ट क्या है और क्या ये उसकी याददाश्त वापस आ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों इस मूवी के हर सीन में आपको भरपूर सस्पेंस देखने को मिलेगा। मूवी का क्लाइमेक्स तो सच में कमाल का है, तो इस मूवी को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस मूवी को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं, और जैसे YouTube पर ऑफिशियली आ जाएगी मैं आपके साथ लिंक जरूर शेयर करूंगी। नंबर 5 पर है 2018 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म युकाते हीरो, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी को हिंदी में इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाम से डब किया गया है। मूवी में लीडर भाते नजर आएंगे कुबेरा, हिमांशी, रॉकेट राघवा, गोवर्धन के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है कुबेरा पर, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसे एक गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है जहां पर बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस तरीके से लोगों की डेथ हो रही होती है। तो दोस्तों आखिर रियल मिस्ट्री क्या है, क्या वो पुलिस ऑफिसर उस केस को सॉल्व कर पाएगा और मूवी में आगे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों अगर आप सबको एक इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद है तो इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मूवी को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 4 पर 2019 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर मूवी काल्की, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीडर भाते नजर आएंगे राजा शेखर, अदा शर्मा, सिद्धू, आशुतोष राणा, तोविनो थॉमस के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है काल्की पर, जो एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर होता है और उसे एक शेखर नाम के इंसान का मर्डर केस सौंपा जाता है जो कोलापुरम गांव को रूल करने वाले इंसान का भाई होता है। दोस्तों क्या वो पुलिस ऑफिसर उस केस को सॉल्व कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी में भरपूर क्राइम थ्रिल सब कुछ है। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर 6 जून को रात 7:30 बजे कलर सिनेप्लेक्स पर होने वाला है, तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। और जैसे ही मूवी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों इस मूवी को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप वहां जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है 2012 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जीनियस, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 75% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीडर भाते हुए नजर आएंगे हाविश, अश्विन बाबू, पोशानी कृष्णा, जयप्रकाश रेड्डी और सुनैना के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा एक सुपरस्टार और एक टॉप पॉलिटिशियन और एक पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर, इन सभी की मिस्टीरियस तरीके से हत्या हो जाती है और ये सभी के सभी ब्रूटल मर्डर्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों आखिर ये हत्या किसने और क्यों की और इन तीनों का क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। स्टोरी काफी अच्छी और इंगेजिंग है जो एंड तक आपको अपने साथ बांध कर जरूर रखती है। मूवी में क्राइम थ्रिल सब कुछ है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 2 पर है 2019 में रिलीज कनाडा लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर मूवी सीक्रेट, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे उत्सव प्रकाश,
स्फूर्ति, कुशाल, निशा के साथ साथ और भी गेस्ट था। बात करें स्टोरी का, स्टोरी बेस्ड है तीन कपल्स की लाइफ पर, जिसमें से हर एक कैरेक्टर अपने पास्ट का रहस्य छिपाता है। और दोस्तों जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उन सभी के सीक्रेट सामने आने लगते हैं, और हमें ये देखने को मिलता है कि तीनों स्टोरीज आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो दोस्तों की रियल स्टोरी क्या है, तो दोस्तों की रियल स्टोरी क्या और उन तीनों कपल्स की लाइफ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर वन पर है 2020 में रिलीज कनाडा लैंग्वेज की क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी शिवाजी सूरतकाल, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस मूवी को हिंदी में डिटेक्टिव शिवाजी नाम से डब किया गया है। मूवी में लीडर भाते नजर आएंगे रमेश अरविंद, राधिका नारायण, आरोही, विनय गौड़ा के साथ साथ और भी गेस्ट था। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है एक डिटेक्टिव पर, जिसे एक मिनिस्टर के बेटे का हाई प्रोफाइल मर्डर केस सौंपा जाता है। तो लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे उसके वाइफ के मर्डर से रिलेटेड कुछ मिस्ट्री का पता चलता है। तो दोस्तों की रियल स्टोरी क्या है और आगे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इनमें से कोई मूवी देख रखी है तो अपना रिव्यू शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।